तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मियाँ मुआज़ और आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, फाइनली फाइनली हमारी GTA 5 डाउनलोड हो चुकी है। तो जो एडेड वगैरह थे, आड़े जो इशू थे, वो अल्लाह का शुक्र है सोल्व हो गए हैं। तो ये देखें, ये आ गई है हमारे पास GTA 5, हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ये देखें, ठीक है, डेस्कटॉप में भी आइकन आ गया। तो इसको करते हैं लॉन्च को, जब हम करते हैं क्लिक पहले। हाँ, तो ऐसे रॉक स्टार सोशल क्लब का ऐसे होता है ओपन, ठीक है, इंस्टॉलिंग हो रही है रॉक स्टार। तो इसको हम इंस्टॉलिंग होने देते हैं, ज़रा आ गया इंटरफेस हमारे सामने कुछ ऐसा, ठीक है। तो इंटरफेस आने के बाद हमने सिंपल इंग्लिश को क्लिक करना है और कंटिन्यू में क्लिक कर देना। यहाँ पे भी आके हमने कंटिन्यू में क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे अब ये लाइसेंस एग्री है, इसको भी हमने कंटिन्यू में क्लिक कर देना सीधा, ठीक है। उसके बाद अब जिस में आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, ये तो मैं तो ड्राइव सी में ही करूँगा, तो कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये इंस्टॉलिंग डाटा होने लग गया, ठीक है। तो ये देखें, ये इंस्टॉल हो रहा है जो जो इस गेम को चलाने के लिए चाहिए सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सारे हो रहे हैं। ये देखें, इंस्टॉलिंग C++ वगैरह, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर हो रहे हैं। तो होने देते हैं इनको फिर। चलो, इतनी देर क्यों लग रही है। तो ये इंस्टॉलिंग हमारी फिनिश हो चुकी है। फाइनली क्लोज को करते हैं क्लिक, फिर इसको हमने पूरा होने देना, ठीक है। ये पूरा होने के बाद हमने फिर गेम को ऑन करना है, ठीक है। इसको हम पूरा इंस्टॉलिंग इसकी होने देते हैं। तो ये हो गया। और जो ये जो है ना आया एरर, ये इसलिए आता है कि आप लोगों की गेम तकरीबन 95 GB की होती है डाउनलोड GTA 5, तो आप लोग का PC तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑन रहता है। तो ये इसलिए आता है ये एरर। तो ये सारा ना, इसको इंस्टॉलिंग करने के बाद ना PC को बंद कर देना ही बेहतर है। मैंने तो ऐसे ही था किया, PC को कर दिया था बंद 2-3 घंटों के लिए। तो उसके बाद मैंने ऑन ऑन करके फिर गेम की थी ऑन, ठीक है। तो अब GTA 5 को करते हैं ऑन। तो ये कुछ ऐसा आएगा हमारे सामने, कनेक्टिंग टू रॉकस्टार गेम्स सर्विस, ठीक है, अपडेटिंग रॉकस्टार। तो ये यहाँ से अपडेट होगा। तो ये अपडेट हो चुका है हमारा। तो अब क्या हुआ है, तो ये आ गया हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस। ये अब हो रहा है इंस्टॉलिंग। और यहाँ पे अब हम क्लाउड से इसको कर देते हैं। एनेबल, ठीक है, इसको एनेबल कर दें, या मैं एनेबल ही कर दूंगा, ठीक है, कि हमारी इस अकाउंट में गेम हो जाए सेव। जब फिर हम कभी इसको डाउनलोड करें तो ये वाला अकाउंट डालें, तो वहाँ से ही गेम स्टार्ट हो जाए हमारी, ठीक है। तो गेम हमारे सामने हो गई है स्टार्ट फाइनली। तो स्क्रीन ज़रा छोटी है, इसको भी करते हैं बड़ा, फुल स्क्रीन करते हैं अभी, ज़रा एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए। तो इसको अलाउ असेस में कर देते हैं क्लिक, यहाँ पे कंफर्म,
अब ये देखें, ये आ गया, ठीक है। क्वाइट सेटिंग्स और स्टोरी मोड, यहाँ पे ऑनलाइन मोड अभी नहीं आएगा, जब आप लोग पहला मिशन करेंगे तो तब आएगा ऑनलाइन मोड की ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो सेटिंग में जाते हैं, ग्राफिक्स में जाते हैं। ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन को करते हैं और इसकी रेजोल्यूशन कर देते हैं फुल। रेजोल्यूशन कर दी फुल हमने, और हाँ ये हो गई फुल, ये भी हो गई फुल स्क्रीन, ये हो गई फुल स्क्रीन। और ये अब रिफ्रेश रेट हम 60 हर्ट्ज़ करते हैं, ठीक है। करने के बाद अब स्पेस को दबाना तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस को करते हैं तो ये एक दफ़ा रिस्टार्ट होगी गेम हमारी। तो ये देखें अब हो गया, हमारी स्क्रीन फुल हो गई, ठीक है। तो ये देखिए अब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं अब इसके गेम प्लेस लेके आऊँगा और ये भी आप लोग को सिखाऊंगा कि इसमें मोड्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।